हॉलीवुड एक ऐसा पर्दा है जिसे हर कोई आजमाना चाहता है, जिस पर अपना लक हर कोई आजमाता है। एक बड़े शहर की बात करें या छोटे शहर की बात करें, एक लड़का एक लड़की हर कोई अपना लक आजमाने बॉम्बे जाता है, एक माया नगरी जिसे कहते हैं, और वहाँ पर अपना लक आजमाया जाता है। मगर बात करें कुछ लोगों को विरासत में मिलता है बॉलीवुड का पर्दा, तो कुछ लोग स्ट्रगल करके अपनी मेहनत से बॉलीवुड में कैसे ना कैसे अपना एक रुतबा बनाते हैं। और आज ऐसे ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी आपसे। ये टॉलीवुड में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगी मैम कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और बॉलीवुड का जो ये स्टेज है ये कैसे स्टार्ट हुआ था। फर्स्टली हेलो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मेरी जो जर्नी है बहुत एक डेस्टिनी से है। जैसे बोलते हैं ना कि गॉड का हमेशा एक प्लान होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी और यू नो, बट आई थिंक गॉड का एक प्लान होता है। मैं यूएस में थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने वहाँ पे स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 17। फिर मैं कनाडा गई और वहाँ पे एक ब्यूटी पैजेंट चल रहा था, तो मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ऐसे ही मैं टॉम बॉय थी, तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं टोल माय मॉम कि इसको जाना चाहिए, इसका वहाँ जाके ग्रूमिंग होगा, अरे थोड़ी लड़की बन जाएगी और ऐसा। तो उधर गई तो आई वाज क्राउन्ड एज मिस पर्सनैलिटी, और उसके बाद मेरा ये एक्चुअली ये सफ़र स्टार्ट हुआ। जब वहाँ गई तो बहुत अप्रिसिएशन मिला और मुझे लगा कि अगर ये चीज़ मतलब बाई चांस आई है तो शायद यही मेरी मंजिल है और मुझे यू नो इसी को आगे इसी पे बढ़ना चाहिए। सो देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट बैक टू इंडिया एंड टू बॉम्बे, एंड अभी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स होने वाले हैं जब से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ, और बहुत अच्छा रहा है। बहुत बहुत आई थिंक अर्ली इन लाइफ बिफोर दिस आई थिंक मैंने इतना स्ट्रगल मैंने किया है कि शायद भगवान ने ऑलरेडी जैसे बोलते हैं ना कि आपको रेडी कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा है कि जो भी आता है मुझे लगता है आने दो, अभी आई एम रेडी फॉर इट, आई कैन मैनेज इट। सो द थिंग इज कि बेसिकली यू बिलोंग्स फ्रॉम एक भटिंडा से बिलोंग करती हैं आप, और बेसिकली वो पंजाबन लाइक पंजाबी कुड़ीज जो होती हैं लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टिव, बट आपका टॉलीवुड में जिस तरीके से आपकी अदाएँ हैं, आपकी एक्टिंग जो वर्सटैलिटी है, जिस तरीके से आप फेमस हैं टॉलीवुड में, तो वट इज़ द मेजर ड्रास्टिक चेंज, बिकॉज द लैंग्वेज इज़ वेरी different Punjabi when we talk about and when we talk about the Tollywood, so how you can manage all this thing? Mere saath actually you know kaisa hai, I believe emotions are the same, koi bhi language hogi, sirf language different hai, sirf आपकी जो यू नो पर भाषा में बेसिक होती है, दिल से दिल की होती है, तो मुझे लगता है कि मैं जो भी चीज़ फील करती हूँ बस वो आ जाती है, बस एक लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो मैंने हालांकि मैंने तेलुगू सीखी, मेरी फर्स्ट मूवी में जो मेरा ऑडिशन था वही तेलुगू में था, एंड आई वाज वेरी श्योर फ्रॉम दैट डे कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी के साथ भी कनेक्शन के लिए वो लैंग्वेज सिर्फ एक मोड है, एक मीडियम है, बट बेसिकली इज़ इमोशंस, बट यू नीड टू नो द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द इंडस्ट्री यू आर इन। And I really highly am very thankful to Telugu industry, you know, for and अभी तो बाहुबली की बात तो मुझे लगता है हमारी तेलुगु इंडस्ट्री सब जानते हैं, और पहले भी सब जानते हैं, लेकिन अब ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। तेलुगु इंडस्ट्री को ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड को ना हॉलीवुड को टक्कर देती है कहीं किस किस प्रॉब्लम में, अगर VFX की बात करें या एडिटिंग की बात करें, तो आप उस लेवल पर एक बहुत ही जानी मानी एक एक्ट्रेस हैं, तो कैसा फील होता है जब अपने आप में एक ऐसा प्राउड मोमेंट होता है, और फैमिली मेंबर्स का कैसा रिस्पॉन्ड था जब आपने डिसाइड किया था कि यू विल बी गोइंग टू? माय मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड एक्चुअली उनकी वजह से ही हूँ जो भी मैं आज कर रही हूँ या जो भी मैं आज करूँ आगे करूँगी। अभी तो आई डोंट कंसिडर कि मैं कहीं पर भी पहुँची हूँ, अभी तो मुझे लगता है सिर्फ आई थिंक टीज़र ही है, अभी ट्रेलर भी बाकी है और पिक्चर तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। सो तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, मेरे मॉम तो इनफैक्ट मेरी हर मूवी जब रिलीज़ होती है उसके बाद तो शायद कम से कम 10 बार तो थिएटर में देखती है। मतलब डिफरेंट जगह जाके ऑडियंस का यू नो कि कैसा रिस्पॉन्स है, क्या चीज़ है, तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग
अभी तो यू नो सब लोग देखते हैं मूवी. या सो अगर बात करें हम टॉलीवुड की, तो जो एक हम स्टार कास्ट की बात करते हैं, तो टॉलीवुड में विच विल बी द एक्टर, जो मोस्ट पॉपुलर एक्टर है जिनके साथ अपनी स्क्रीन आप शेयर करना चाहेंगे? लाइक दिल से एक होता है ना एक ड्रीम टाइप्स की, मुझे तो यार इनके साथ एक स्क्रीन चाहिए है. लाइक प्रभास ओह माय गॉड, ही इज लाइक ड्रीम बॉय फॉर अ गर्ल. एक नॉर्मल लड़की के लिए भी होता है, बट बीइंग अ एक्ट्रेस क्या है. प्रभास, महेश बाबू, पवन कल्याण सर, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन, रामचरण, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ यू नो आई रियली वांट टू वर्क विद. बट डेफिनेटली आई वांट टू डेफिनेटली वर्क विद बाहुबली इन माय लाइफ. या सो मेहरीन, अगर हम इसके अलावा टॉलीवुड के अलावा अगर हम बॉलीवुड के बारे में बात करें, फिलौरी, दैट वाज अ वेरी नाइस फिल्म. उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत डिफरेंट था. तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? अनुष्का के साथ काम किया आपने, दिलशान के साथ काम किया, दैट वाज हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. यू नो मुझे लगता है मेरे साथ सीक्रेट बहुत वर्क की है, मतलब अनोइंगली. जब मैंने ब्यूटी पैजेंट, जिसका मैं मेंशन कर रही थी, उस पर उन्होंने था कि आपने हमेशा कि अपना कोई मेंटोर चूज़ करना, और चिट में मुझे अनुष्का शर्मा का नाम निकला था. एंड आई डांस टू हर ट्यून्स GRA GRA तब, यू नो 3 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी. एंड यू नो व्हेन आई गॉट दिस ऑफर एंड आई वाज जस्ट लाइक, यू नो इट्स अ सर्कल, कि वो सीक्रेट वही आज मुझे मेरी बॉलीवुड जर्नी वही लॉन्च कर रही हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. एंड रियली शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हर एंड फिलौरी कि इतना अच्छा, मुझे लगता है मुझे इससे अच्छा डेब्यू नहीं मिल सकता था. मतलब फर्स्ट मूवी में बहुत ज़रूरी होता है यू नो कि लोग आपको जाने, मूवी देखें, और सबने देखी, मुझे पता है, क्योंकि अनुष्का शर्मा के साथ मूवी थी. एंड यू नो उन्होंने बिल्कुल अपने जैसा, जैसे बिल्कुल वैसे ट्रीट किया एंड बहुत अच्छा. एंड जब मूवी रिलीज़ हुई तो मैं रोई और मैंने उनको हक किया, मैंने बोला थैंक यू. तो मुझे वो पूछती हैं तुम पक्का खुश हो? एंड शी आस्क्ड माय मॉम कि मैम आप खुश हैं अपनी डॉटर के डेब्यू से? क्योंकि डेब्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी. अभी तो बॉलीवुड में स्टार्ट हुआ है. लास्ट ईयर आई गॉट कपल ऑफ कॉल्स, बट आई हैव बीन वेरी बिजी इन साउथ. अभी इस साल से 2018 आई थिंक होपफुली यू विल गेट टू सी मी अगेन. सो व्हाट विल बी योर प्लानिंग्स फॉर 2018 इन बॉलीवुड एज वेल एज टॉलीवुड? वीकेंड प्लानिंग एज सच मैं कुछ नहीं करती लाइफ में. मैं आई जस्ट गो विद द फ्लो. बट आई जस्ट बिलीव इन अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स. तो मैं यूनिवर्स को बोल देती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो बाकी तो यूनिवर्स अपने आप को, अपने आप उसको कंस्पायर करता है और अपने आप मेक्स इट हैपन. अगर हम रोल मॉडल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द रोल मॉडल इन बॉलीवुड एज वेल एज इन टॉलीवुड, कि आप किसको सबसे ज्यादा एडमायर करती हैं फॉर द एक्टिंग पर्पस? आई थिंक आई रियली लाइक कंगना, आई लाइक प्रियंका, आई लाइक अनुष्का. And these are the people. And in, if you talk in South, I like Samantha and Anushka Shetty. Yeah, and जो देवसेना बनी थी वह बोली. Exactly. Actor की अगर हम बात करें तो actors में, अगर actress की हम एक तरफ से आप. Actor मैं बचपन से सलमान खान की बहुत बड़ी fan रही हूँ, तो मेरे लिए सलमान खान अभी भी वैसे ही blush करती हूँ मैं सलमान खान का नाम लेते. So I'm a very big fan of Salman. Mehreen, अगर हम बात करें कि आपने जैसे कि थोड़ा सा it's a little bit of knowledge, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, कि आपने 10 जब आप 10 एज की थी राइट, तब से आपने मॉडलिंग और रैंप वॉक करना स्टार्ट कर? नहीं, वो भी बाई चांस था. वो मेरा आई हैव माई समर हाउस इन कसौली, और वहाँ पे कसौली प्रिंसेस और कसौली क्वीन का पैजेंट, तो हम लोग ऐसे ही तब छुट्टियों में थे, तो वो वहाँ चल रहा था, हमको इनविटेशन आया कि यू नो लाइक ऐसे ही क्लब में हो रहा था. तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ चली गई वहाँ पे. वहाँ जाके ऐसे उन्होंने अनाउंस किया अगर कोई और भी पार्ट लेना चाहता है, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री वहीं जाके ऐसे नॉर्मल शॉर्ट्स में वॉक कर दिया. बहुत ही गंदी लग रही थी मैं उस दिन पर, पता नहीं कैसे. 10 years आई जस्ट वॉक द रैम्प एंड आई थॉट मे बी एट दैट एज आई वॉन्टेड टू बिकम मिस यूनिवर्स. बट माई फैमिली यू नो माई फादर ही वुड नेवर अलाउ. सो मैं ऐसे बोलती होती थी. सो आई थिंक तब भी ऐसे बाई चांस आई बिकेम द कसौली प्रिंसेस, और मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद मेरी अगले दिन चंडीगढ़ टाइम्स में फ़ोटो और सब कुछ. तो उसके बाद फिर कुछ नहीं था, फिर यही पैजेंट था, और उसके बाद अब तो जर्नी कम्प्लीटली. स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो आप मतलब क्या बनना चाहती थी? व्हाट यू? सो आई थिंक द रीज़न व्हाई आई बिकेम एन एक्ट्रेस इज़, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जिसको भी मिलती थी, जो भी मुझे
अच्छा लगता था, मेरे मन को भाता था जो भी वो आदमी कर रहा होता था. मेरा वो सेम डे उनको मिलने के दैट सेम मोमेंट मेरा प्रोफेशन चेंज हो जाता था. आई मीन अगर मैं आपको तब मिलती, इफ़ आई लाइक यू आई वुड वॉन्ट टू बिकम अ जर्नलिस्ट. एंड आई मेट सुनीता विलियम्स हु केम फ्रॉम स्पेस. आई वॉन्टेड टू बिकम अ एरोनॉटिकल इंजीनियर. सो मेरे साथ होता जो भी अच्छा करते थे मेरे को वो बनना होता. तो आई थिंक मे बी गॉड चोज दिस फॉर मी बिकॉज इस एक लाइफ में आप इतनी सारी चीज़ें तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन एक एक्टर सिर्फ एक वो यू नो भगवान ने वो दिया हुआ है कि वरदान के आप सब कुछ बन सकते हैं. तो एक मूवी में अभी मैं यू नो टीचर प्ले कर रही हूँ, एक मूवी में मैं कुछ और प्ले कर रही हूँ. तो मतलब अच्छा लगता है कि यू नो आई कैन लिव ऑल दोज रोल्स. मैं अगर हम बात करें कि आपने लाइक यू आर पंजाबन कुड़ी, तो पंजाबी मूवीज़ क्योंकि टॉलीवुड एक सच बिग टास्क, आज अगर जो भी सोचता है कि हम टॉलीवुड से स्टार्ट करें बड़ा आसान होता है बोलना तो, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब जब आप अपनी लैंग्वेज और आपको सब कुछ पहले एक्सेप्ट करना होता है, लोगों को समझना होता है, उसके बाद में आपकी एक्टिंग शुरू होती है. तो टॉलीवुड पंजाबी से ना स्टार्ट करते हुए टॉलीवुड, व्हाई टॉलीवुड? लाइक आई सेड आई एम नेवर एवर प्लान्ड एनीथिंग इन लाइफ. दिस वाज आल्सो गॉड्स प्लान. मुझे ऑफर आया मूवी का, मेरी फर्स्ट मूवी का कृष्ण गाड़ी वीर प्रेम गादा. आई लाइक्ड इट, आई वेंट फॉर इट. ओके. सो आई हैव नेवर रियली यू नो थॉट दैट प्लान दैट व्हाट यू नो वट एवर आई लाइक वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई गो हेड विद इट. एंड तेलुगू आई एम वेरी हैप्पी. आई फील रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट टू डेब्यू विद इंडस्ट्री जहाँ बाहुबली जैसी मूवीज़ बनती हैं कि जो हमारे सिर्फ इन यू नो इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड सिनेमा में हमारी इंडियन इंडस्ट्री को इतना ऊपर लेके गई हैं. सो आई फील रियली ब्लेस्ड एक्चुअली. और मेहरीन एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि अगर आपकी जो अभी आने वाली कोई फिल्म है उसके बारे में, आपकी कौन सी फिल्म पे आप अभी काम कर रही हैं और कौन सी? अभी करंटली अभी मैं एक फिल्म पे काम कर रही हूँ. लास्ट ईयर आई हैड 5 रिलीजेस आउट ऑफ विच 4 आर ब्लॉकबस्टर हिट्स. एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन गोपी चंद्स 25th फिल्म पंतम. आई थिंक इट्स समर रिलीज. अभी स्टिल डिसाइडिंग एंड कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च. ओके. सो किस मतलब क्या है ये, मतलब सस्पेंसिव मूवी है? ये यू कैन कॉल इट अ सोशल कमर्शियल फिल्म. लाइक इट इज़ अ सोशल ड्रामा एंड आई प्ले अ टीचर इन दैट फिल्म. अभी तक जो भी पहली वाली सब मूवीज है सब में मुझे पता नहीं क्यों फेल कर रही होती, मैं हर 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 उसमें मैं फेल हो रही होती थी. अभी फाइनली मुझे ग्रेजुएशन करके अभी मुझे टीचर बना दे. ओके. सो कैन यू जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स की एक छोटा सा डायलॉग आपका तेलुगू में विच आई वांट टू लिसन. लाइक मेरा जो जिससे मेरे को जाना जाता है मेरी फर्स्ट मूवी से कृष्णगाड़ी वीर प्रेम गादा, उसमें आई प्लेड महालक्ष्मी कैरेक्टर. और वहाँ उसका मेरा जो डायलॉग है जो अभी 2 साल हो गए मेरे डेब्यू पे. इनफैक्ट अभी 12 फरवरी को ही 2 ईयर्स हुआ सिंस माई रिलीज. आई एम 2 ईयर्स ओल्ड नाउ इन द इंडस्ट्री. तो मेरा वो डायलॉग है चपेना नैन चपेना नीक चपेना. उसका मतलब है बोला मैंने बोला तुमको बोला. यू नो सो दिस गर्ल शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड शी इज़ फ्रॉम अ विलेज. और इतनी राउडी है ये लड़की, मतलब कुछ भी कर सकती है. तो जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब से इतना प्यार मिला है. और अभी भी मैंने 6 मूवीज़ की हैं या 6 मूवीज़. एंड उसमें से जो अभी भी मेमोरेबल रोल है और जो फेवरेट फिल्म है सबकी, वो मेरी डेब्यू फिल्म है. ओके. आपका नाम बहुत खूबसूरत है. दिस इज़ माय पर्सनल क्वेश्चन कि आपके नाम का मीनिंग अगर आप बता सकें. मून्स ब्लेसिंग. मून्स ब्लेसिंग. सो मेहर इन पंजाबी मीन्स ब्लेसिंग और ईन इन पर्शियन मीन्स मून. सो मून्स ब्लेसिंग. ओके. तो ये थी हमारे साथ एक्ट्रेस टॉलीवुड की काफ़ी जानी मानी हस्ती मेहरीन पीरजादा, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक. और अपनी पूरी जितनी भी लाइफ अभी तक में बॉलीवुड और टॉलीवुड में इन्होंने स्पेंड की है, इनके एक्सपीरियंसेस, और हमने इनसे कुछ इनके डायलॉग्स मिलवाए और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना.